तो आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक महिला गिर गई है, जिसका जिक्र हम आप कर रहे थे। एक हेलीकॉप्टर से जो रस्सी लटक रही है, जब ऊपर खींचा जाता है तो कहीं ना कहीं इतनी तेज हवाएं चलती है, स्पिनिंग होती है, कि जो रस्सी है आसपास के केबल से टकरा जा रही है, उसके साथ भिड़ जा रही है, जिसके वजह से बताया जा रहा है कि एक महिला नीचे गिर गई है। बात करने के लिए संवाददाता नीतीश चंद्र हमारे साथ है। नीतीश, इस खबर पर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए अमित, बेहद दर्दनाक हादसा और हो गया, और हम लोग यहाँ ये सोच रहे थे कि बस आखिरी मुकाम पर है ऑपरेशन, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, लेकिन आखिरी समय में एक बेहद खतरनाक हादसा हमने अपनी आंखों से देखा। एक महिला जो थी उसको रेस्क्यू किया जा रहा था, जो जिस तरह से सुबह से जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई गई, और जो चॉपर था वो बिल्कुल केबिन के ठीक ऊपर पहुँचा, और चूंकि केबिन के अंदर दाखिल होने में दिक्कत आ रही थी जवानों को विंडो के जरिए, तो छत पर, जो केबिन की छत है उस पर जवान को लैंड कराया गया, और फिर वो उस पर लेटकर अंदर विंडो में दाखिल हुआ। उसके बाद जो महिला थी उसको उसने जो रस्सी बांधी, जिस तरह से सबों को बांधी जाती रही थी, और लेकिन जब महिला को नीचे छोड़ा गया उस समय ये हुआ कि जो वायर था, जो रस्सी थी, जो हेलीकॉप्टर से महिला को जोड़ कर रखी थी, वो केबिन के ऊपरी हिस्से में जो एक हुक ऐसा होता है जो वायर से, जो केबल के वायर से जुड़ा होता है, उसमें फंस गया। अब उसमें फंसने की वजह से महिला वहीं पर रुक रही थी, चूंकि हेलीकॉप्टर वाले उसे, जो पायलट थे, उसे ऊपर लिफ्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वायर फंस गया था, और ऐसी स्थिति में जो जवान अंदर था वो बाहर निकला, फिर से वो गया ऊपर के हिस्से में केबिन की छत पर, और जो फंसा हुआ हिस्सा था उसको उसने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वजन बहुत ज्यादा था, नीचे महिला लटकी हुई थी, इसलिए उसके लिए भी मुश्किलें आ रही थी, लेकिन इसी बीच अचानक वो महिला नीचे गिरती हुई दिखाई दी, यानी जो रस्सी फंस गई थी, हेलीकॉप्टर की जो रस्सी केबिन में फंस गई थी वो वहां से टूट गई, क्योंकि उसमें, चूंकि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ था, नीचे महिला लटकी हुई थी, और बीच में रस्सी में वो वायर फंस गया था, उसको छुड़ाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन संभव है कि थोड़ा बहुत भी यदि दाएं बाएं वो हेलीकॉप्टर हुआ हो, या फिर हवा वहां पर काफी तेज होती है इसमें जब चॉपर ऊपर होता है, तो उसकी वजह से रस्सी टूट गई और वो महिला सीधे नीचे की तरफ आ गई। जब महिला पहली बार विंडो से पैर लटकाकर नीचे की तरफ आ रही थी उस समय भी एक जोर का झटका लगा, और जब वो झटका लगा तभी सभी लोगों की सांसें थम गईं कि पता नहीं फिर कोई अनहोनी तो नहीं होगी। महिला लटकी रही कुछ देर तक, हमने देखा कि महिला लटकी रही और ऐसा लगा कि कोई परेशानी आई है, हम बहुत करीब हैं, मेरे ठीक ऊपर से ही ऑपरेशन हो रहा है, त्रिकुट पर्वत की उस जगह पर हम हैं जहां मेरे सिर के ठीक ऊपर ही ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए मैंने करीब से देखा कि वो जो रस्सी थी जो हेलीकॉप्टर से महिला को जोड़ रखी थी वो रस्सी केबिन के ऊपरी हिस्से में लगे उस लोहे के रॉड से फंस गई, और उसकी वजह से एयरलिफ्ट करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रस्सी फंसी हुई थी तो एयरलिफ्ट किया नहीं जा सकता था, और ऐसे भी यदि महिला को ऊपर खींचा जाता तो केबिन के हिस्से से उसे चोट लग सकती थी। तो जवान ने ये सोचा कि हम किसी तरह से ऊपर के हिस्से में जाते हैं और उस रस्सी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश चल ही रही थी कि तभी अचानक हमने देखा कि महिला तेजी से नीचे की तरफ गिरती है रस्सी के साथ, और उसके बाद जब ये पहली बार हमने कहा कि झटका लगा था, आईटीबीपी के जवान सीधे नीचे की तरफ भाग रहे थे तेजी से, और जो लोग वहां थे वो भी सतर्क हो गए थे, लेकिन जितनी अधिक ऊंचाई है मैं नहीं समझता कि शायद वो महिला बच पाई होंगी। अभी वहां पर मैं मौजूद नहीं हूँ, मैं उस जगह पर हूँ, ऊंची जगह पर हूँ, जो लोग वहां गए हैं वो बता पाएंगे उस महिला की क्या स्थिति है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।